टेंशन ही कोई नहीं। देख रहे पीछे बैठे हुए हमारे फुल खुला खुलम खुला टाइम नो टेंशन। फुल टाइम गीले थे पीछे मैंने रख लिया ताकि सूख जाए। और ये रही जी सुभान अल्लाह लूसर जी। लास्ट की जो गर्मी है वो हो गई है स्टार्ट फुल टाइम। दिल कर रहा है जैकेट उतार दे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। तो सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और अपने काम में मसरूफ़ होंगे। तो रात को जब जलगढ़ में ही स्टे किया था और बहुत ज़्यादा थकावट थी, फिर सामान वगैरह अपना उतारा और फिर हम सो गए। अभी उठे हैं सुबह, तो जिस समय समझे बहुत ज़्यादा दर्द है और उनके दो दिन से बिल्कुल सोए नहीं थे। और अभी जो इस वक्त व्यू है ना, ये चेक करें, और साथ में मुजम्मिल भाई बैठे हुए हैं अपना नाश्ता कर रहे हैं और मैं भी। तो आज देखते हैं, अगर तो हमारा दिल किया यहीं पे स्टे कर रहेंगे वरना यहाँ से निकलेंगे। उम्मीद तो यही है कि आज का हमारा डे ऑफ है, आज इंजॉय करेंगे हम बैठ के। और बाकी अपना नाश्ता ख़त्म करते हैं, ठंडा हो रहा है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। तो इस वक्त टाइम जो है वो हो गए हैं 11 बज गए हैं और सामान जो है अपने बॉयज़ का वो रेडी हो गया। अब हमारा ये प्लान है क्योंकि रात को हमारी बाइक बहुत ज़्यादा एक तो गंदी हो गई है, दूसरा इनका चेन जो है वो भी काफ़ी लूज़ है और ऑयल जो है वो भी चेंज करना है हमने। तो अभी हमारा यही प्लान है कि अब यहाँ से हम जाएँ चिलास, वहाँ से अपनी जो बाइक का काम है वो करवा लें। और ये देखें बॉयज़, आप मुजम्मिल भाई ऑलमोस्ट रेडी हो गए, मैं खुरम भाई भी, नौमी भाई की भी रेडी हो गई है बाइक, और अपना जो रॉकेट है वो भी बस रेडी है। हाल देखें आप, ये हाल था रात को बाइक का। शूज़ फुल टाइम गीले थे पीछे मैंने रख लिया ताकि सूख जाए ये। बाकी देखें हाल बाइक का, ये देखें स्कीड ब्लेड का ये फ़ायदा था कि इंजन बच गया, लेकिन कीचड़ वगैरह जो है मड वो काफ़ी ज़्यादा आ गया। और मैंने भी फ़ोन चार्जिंग लगाना है क्योंकि रात को यहाँ पर जो लाइट नहीं थी, तो अब इसको चार्जिंग पे लगाएंगे और इंशाल्लाह आपको आगे मिलते हैं बाबूसर टॉप पे। भाई ने चेक करें कैसी चप्पल पहन ली है, सैंडल प्लास्टिक के, शूज़ को पीछे लटका दिया है ताकि जो अपने शूज़ हैं वो सूख जाएं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अभी ये लुलूसर झील आ जाएगी और फिर ये मून रेस्टोरेंट है। तो बात ये कहनी थी कि अभी फ़िलहाल सीज़न जो है बिल्कुल ऑफ हो गया हुआ है, आप आएँ, आपके अगर आप अपनी फैमिलीज़ के साथ भी आते हैं तो इस वक्त जो है ना होटल के जो रूम वगैरह वो भी बहुत सस्ते हैं। और खाना आप कोशिश करें, मेरी वीडियो में मैं लिंक दे दूंगा, आप अपना घर से खाना पैक करवा कर बनवा कर लेके आएँ, वो मज़ीद आपको सस्ता आपको टुकर पड़ जाएगा। किलोमीटर और ये रही जी सुभान अल्लाह लूसर झील। देखें अभी ड्रोन शॉट लिए हैं और लुलूसर झील पे हैं क्योंकि इस दफ़ा हमारे पास खुला टाइम है भाई, फुल इंजॉय, टेंशन ही कोई नहीं। वो देख रहे हैं पीछे बैठे हैं हमारे फुल खुला खुलम खुला टाइम नो टेंशन फुल इंजॉय। लुलूसर चेक करें, अपनी बाइक, इसका नाम मेरे बेटे ने रखा है रॉकेट, कहते पापा इसको रॉकेट कहा करें, रॉकेट की शेप में लगती है। मैंने कहा ठीक है।
बाबू सर टॉप से अब हम नीचे जा रहे हैं। इस वक्त हमें 13,601 की बुलंदी पे अभी नीचे उतरेंगे। गोप्रो बहुत तंग कर रहा है, हवा भी इधर काफ़ी ठंडी है। इंशाल्लाह तब जाके नीचे चलास में मिलते हैं आपको। तो नौज़दीन ये आ गया जी 0 पॉइंट और चलास की जो गर्मी है वो हो गई है स्टार्ट फुल टाइम। दिल कर रहा है जैकेट उतार दें, हैवी वाली गर्मी, जो जितनी ऊपर ठंड थी उससे कहीं ज़्यादा नीचे अभी गर्मी है। और ये 0 पॉइंट है जी। और बाइक की जो बाइक है उसका भी पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म है, उसको भी अभी फुल करवाते हैं। ये चेक करें जी 0 पॉइंट। अस्तौर 105 किलोमीटर है भाई यहाँ से। तो वेलकम बैक नाज़रीन। तो नाज़रीन 0 पॉइंट क्रॉस करके हम इधर हैं चलास में। यहाँ पे PSO का पंप है, वहाँ से पेट्रोल डलवा कर अभी हम खाना खा रहे हैं। तो ये चेक करें गोला कबाब। बाकी शाह खाना खा कर और आगे हमने निकलना है अस्तौर की तरफ। टाइम भी तकरीबन 3:11 हो गए हैं। इंशाल्लाह ताला 7-8 के करीब हम अस्तौर जो है वो पहुंच जाएंगे। तो नाजरीन वो देखें आगे लगता है ब्लास्टिंग वगैरह कर रहे हैं और अभी लगता है गुजरने नहीं देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो खाना है वो हमने खा लिया और अभी निकल रहे हैं अपनी मंजिल की जानिब अस्तौर। तो वेलकम बैक नाजरीन। तो अभी इस वक्त हम रायकोट ब्रिज के ऊपर मौजूद हैं और अभी इंशाल्लाह ताला ये रोड बिल्कुल साफ़ आ जाएगी और फिर आगे से हम पॉइंट आएंगे एक गिलगी की तरफ जाने का और एक साइड आएगी अस्तौर मिनीमर्ग और स्कर्दू दियोसाई वगैरह। तो आगे से अभी तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर है, फिर आगे से हम राइट साइड पर जाएँगे और इंशाल्लाह ताला। बाकी ये रोड आपने काफ़ी दफ़ा देखा हुआ, इस वजह से इसकी मैंने इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। तो अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। तो सामने देखें गिलगित है और ये है इस्तौर और इधर का दे देते हैं इशारा। हमने जाना है इस्तौर और इस्तौर है यहाँ से 44 किलोमीटर और इंशाल्लाह ताला आज जाके इस्तौर में सोएंगे। तो एक्चुअली खुर्रम भाई ने पेट्रोल नहीं डलवाया, उनको कहा था पीछे से पेट्रोल डलवा लें। मेरी तो बाइक में भी फुल है टैंक जो है, तो कोई नहीं अगर ज़रूरत पड़ी तो दे देंगे पेट्रोल उनको। 2020 में किया था देवसाई, ये सफ़र सारा रात में किया था। अभी तो फिर 5:19 में है ना, यानी 1.5 घंटा है रोशनी को ढलने में और इंशाल्लाह ताला काफ़ी हद तक कर लेंगे ट्रैक ये, बाकी फिर अंधेरे में करेंगे। कोशिश यही होती है कि एक दिन स्टे करें, लेकिन जब उस जगह पे रुकते हैं तो फिर एक ऐसी एनर्जी हमें आती है, हम ये कहते हैं कि यार चलो आगे वाला ट्रैक भी कर लेते हैं। तो बस इसी दौर में बंदा लगा होता है कि यार अब ये कर लें वो कर लें, तब फिर देखे ना क्या टाइम हो गया इस वक्त। तो अभी भी इस वक्त हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहिए था ताकि हम कैंपिंग करें या होटलिंग करें जो भी करें, ताकि शाम में शाम ढलने से पहले कर लें। बाकी चलें जो अल्लाह पाक को मंजूर होगा इंशाल्लाह वही होगा। पानी चेक करें क्या स्पीड है पानी की, हैवी फुल सीन।
बिल्कुल इस टाइम हो रहा है, ठंडी हवा आई है नाजरीन, अब फिर गर्म। अस्तोर के चेक करें, क्या ही खूबसूरत मोड़ है, नीचे बहता हुआ पानी और आगे जा रहे हैं मेरे तीन बिशंदे। इस मिट्टी वाला काम जो है ना, ये जो उड़ाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है नौमी भाई। अभी टाइम जो है ना इस वक्त हो गया है 5:50 हो गए हैं और 5023 फीट पे हम। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम 7:30-8 बजे के करीब पहुंच जाएंगे अस्तोर। तो अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। तो सब कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में मसरूफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अस्तोर तकरीबन 7:30 बजे के करीब पहुंच गए थे और फिर आते साथ यहाँ पे हमने रूम लिया, फिर खाना वगैरह खा कर अभी तो समझ लें अपनी जो बैटरी है वो फुल डाउन हो गई है। अब इंशाल्लाह ताला सुबह जो है वो मिनीमर्क करना और हमारा ये प्लान है कि जल्द से जल्द सो जाएं ताकि सुबह 6 बजे यहाँ से उठ के हम अपना जो सफ़र है वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि 11 बजे या 10:30-11 बजे तक परमिशन आपको मिल सकती है कि आप मिनीमर्क चले जाएँ। तो बाकी इंशाल्लाह ताला कल आपको मिलते हैं फिर रास्ते में। अभी ये भाई का स्लीपिंग बैग और ये देखें अपने सारे कैमरे वगैरह चार्जिंग लगाए, उधर पावर बैंक भी लगा हुआ था। और बाकी ये बॉयज़ देखें, ये तो बूढ़ा बॉयज़ हैं हमारे और वो खुरम भाई हैं, फ्रेश नज़र आ रहे हैं। और ये गुलाम मुजम्मिल भाई, भाई जो है वो फ्रेश हो गया था, तो अभी इंशाल्लाह सोते हैं और सुबह आपसे मुलाकात करते हैं। अभी हमने जाना है चिल्लम चौकी, अगर इसी तरह का मौसम रहा तो हमें नहीं लगता कि हमें आगे मिनीमर्ग जाने देंगे। तो फाइनली रेनबो लेक पहुंच गए हैं।